What's up guys, क्या आपको पता है आज हम माइनक्राफ्ट के कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं जो कि लिटरली काफी कूल होते हैं। आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा काफी सारे फैक्ट क्रेजी थे। तो लेट्स गो, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ को। लेट्स गो गाइस। क्या आपको पता है हम मनी ब्लॉक पे काफी सारी चीजें लगा सकते हैं, लेकिन काफी सारी चीजें यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे लेक्टन लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हैंगिंग रूट लगेगा और यहाँ पे नहीं लग पाएगा। देखो मैं लगातार प्लेस कर रहा हूँ बट ये नहीं लग पा रहा, तो यहाँ पे एक फैक्ट ये है। बाकी हम यहाँ पे वाइंस लगा सकते हैं, यहाँ पे हम वाइंस भी नहीं लगा सकते, यार ये भी बहुत दिक्कत की बात है। और लास्ट में आता है फायर कोलर फैन, और यहाँ पे हनी पे नहीं लगता और यहाँ पे दोनों पे नहीं लगता ये चीजें। तो भाई काफी सारी चीजें हनी पे भी नहीं लगती और काफी सारी चीजें स्लाइम पे नहीं लगती है, लेकिन काफी सारी चीजें स्लाइम पे लगती है। हाँ काफी सारी चीजें लगती है, बट एनीवेज गाइस आपको पता चल गया होगा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है एक आर्मर स्टैंड पे लगा हुआ आर्मर आपको डैमेज कर सकता है? देखो क्रिएटिव में ओके। तो देखो गाइस मैं बताता हूँ वो कैसे, ये देखो मैं भाई ये नहीं करना, देखो लेकिन इस पे लगी होनी चाहिए ड्रोन्स। आप थ्रोन वाले आर्मर को अटैक करने पे डैमेज खाओगे, ये देखो भाई इस पे थ्रोन 3 लगा हुआ और मुझे डैमेज पड़े जा रहा है, ये देखो मैं मारे जाऊंगा। ये देखो I am just was killed trying to hurt armor stand. ये literally crazy है। क्या आपको ये पता था या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या गाइस आप भी परेशान है कि चेस्ट यहाँ पे यार ब्लॉक लगाने पे ओपन भी नहीं होती, यार दिक्कत है, और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन करना है तो यहाँ पे ब्लॉक भी नहीं लगा सकते? तो मैंने ला दिया इसका एक सोल्यूशन। आप इंस्टेंट उसकी जगह, चेस्ट की जगह बैरल यूज कर सकते हो। बैरल तो ऐसे साइड सामने से ओपन होता है ना, तो दिक्कत क्या है? यहाँ पे ऐसे सामान रखा गाइस हमने, और लाइक यहाँ से तो हम ओपन भी नहीं कर सकते यार, इसको पहले तोड़ो फिर इसको तोड़ो फिर ये ओपन एक्सेस होगा, लेकिन हमारा बैरल तो भाई इजिली एक्सेस हो जाता है, इजिली हम सामान निकाल सकते हैं। आपको ये पता था या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। काफी सारे लोगों को ये पता होगा बट मैंने सोचा बता देते हैं। आपको पता है वेट स्पॉन्ज को लावा बकेट से ऐसे वेट करोगे, यहाँ पे लावा हट के भाई वाटर बकेट आ जाएगी। लाइक वो लावा को ले लिया इसने और वाटर बकेट डाल दिया, लाइक इसका वेट स्पॉन्ज का जो वाटर था वो बकेट में डाल दिया इसने, भाई ये लिटरली क्रेजी है। आपको पता था या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आपको पता है स्वैम्प एंड जंगल बायोम के भी विलेजर होते हैं? नहीं पता था ना, बट ये नेचुरल स्पॉन नहीं होते यार। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ स्वैम्प बायोम के विलेज कैसे दिखते है, ये देखो भाई ये लिटरली क्रेजी दिख रहा है यार, लाइक जादूगर। ओए जादूगर किधर जा रहा साले, और स्पॉन करते हैं। ये देखो ये इस बायोम के विलेज है, लेकिन मुझे ये बायोम देखो कितना दिया है, सालों ने 4 पेड़ है उतना बायोम दिया है, बट कोई नहीं गाइज हमारे विलेजर तो दिख ही रहे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जंगल बायोम के विलेज। तो गाइज अभी है हम जंगल बायोम में, अब यहाँ पे आपको विलेज स्पॉन करके दिखाता हूँ। ये है जंगल बायोम का विलेज, साले ये वेदर, बट देख लो यार गाइज ऐसे ही। ये देखो ये है जंगल बायोम के विलेजर। हेलो भाई कैसे हो, कैसे हो आप लोग, आप नेचुरल स्पॉन क्यों नहीं होते भाई, आपका ठिकाना क्यों नहीं है भाई? भाई है भाई, सुनो ना। क्या आपको ये फैक्ट पता था या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी बढ़ते हैं अगले फैक्ट्स की ओर। फैक्ट नंबर 6, आप इजीली विलेजर की जॉब चेंज कर सकते हो। जस्ट लाइक दिस, लाइक आप पैसे प्लेस करते हो फिर तोड़ते हो उस चीज को, ऐसे नहीं करना। आपको सिंपल मैकेनिज्म बनाना है, इसने जॉब ले ली, अब ये पता नहीं जॉब में क्या दे रहा है, ये दे रहा है मतलब ऐसे क्लेवर बॉल, हमको ये नहीं चाहिए, तो भाई हम ऐसे नीचे कर देंगे, इसकी जॉब चली गई, अब फिर से हम ऊपर करेंगे, अब ये फिर से जॉब ले लेगा। तो इस तरीके से इजीली किसी भी विलेजर की जॉब चेंज कर सकते हो। क्या आपको ये पता था या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि आप वो चीज देख सकते हो जो मॉब देखते हैं? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पहले मॉब स्पॉन करना है, जरूरी नहीं है बट आपको होना पड़ेगा स्पेक्टेटर मोड में। जस्ट लाइक स्पेक्टेटर मोड में, अब उस पर राइट क्लिक करना है, और ये देखो भाई भाई क्रीपर भाई ग्रीन ग्रीन देखता है सब कुछ भयंकर। अबे हिल जा भाई थोड़ा सा, हाँ हिला हिला हिला, ये देखो भाई पूरा ग्रीन दिख रहा है क्रीपर, और कितना भाई डल क्वालिटी है यार। निकलो भाई बाहर निकलो, अब बाहर निकलने का यही तरीका है कि भाई आप सर्वाइवल या क्रिएटिव में आ जाओ, सर्वाइवल में मत आना क्योंकि क्रीपर मार मुर के तोड़ देगा। अब हम देखने वाले एंडरमैन का, एंडरमैन कैसा है, तो स्पेक्टेटर मोड में गए और ये ओ भाई साहब, भाई एंडरमैन तो अलग ही देखता है सब कुछ, इसका तो देखो पूरा वर्ल्ड अलग ही तरीके से दिख रहा है, जैसे कोई ग्लास पहन रखा है, बेकार है ये भी। अब हम देखने वाले ज़ॉम्बी, भाई ज़ॉम्बी तो मुझे लगता है नॉर्मल देखता होगा बट पता नहीं, अभी आ गए हम। अबे जल क्यों रहा भाई, ये तो नॉर्मल देखता है गाइस, ये देखो ओके ज़ॉम्बी नॉर्मल देखता है। आपको ये पता था नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है जब आप एंडरमैन को शूट करते हो एरो से, लेकिन अगर उसको भाई टेलीपोर्ट होने की कोई जगह पास में नहीं है, लाइक वो बहुत दूर है यहाँ से, तो वो टेलीपोर्ट नहीं हो सकता यहाँ बीच वाले ब्लॉक से, तो भाई आप ऐसे एरो मारेंगे वो एरो बैक आएगा, ये देखो वो एरो बैक जाके नीचे जा रहा है, मतलब लाइक इसको टेलीपोर्ट होने की कोई जगह नहीं है। अब आप नॉर्मल में करोगे तो ये टेलीपोर्ट हो जाएगा, ये देखो
भाई साहब भागियो नीचे, देखो ये कहीं पे टेलीपोर्ट ही नहीं हो सकता। अब गाइस यहाँ पे हम नॉर्मल में करके देखते हैं, ये देखो नॉर्मल में जैसे ही मारेंगे ये गायब हो जाएगा। क्या आपको ये पता था या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आपको पता है सारे के सारे मॉब लाइक लैडर क्लाइम कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे। ये देखो क्रीपर मेरे पीछे है, अब मैं यहाँ पे इसके ही पीछे पीछे लैडर से चढ़ जाऊंगा। चढ़ जा भाई, अरे चढ़ जा। ओके ऐसा नहीं करना आपको, फिर से करता हूँ मैं। ये गाइस हमने किया क्रीपर स्पॉन, ये हमारे सर्वाइवल में। हेलो भाई क्रीपर भाई आ जाओ, इस बार हमने सेफ्टी बरकरार रखी है। आओ आओ क्रीपर, ये देखो लिटरल क्रीपर। अबे इधर आ साले नूबड़े, पागल देखा नहीं मुझे। अबे ये कहाँ गया? अबे यार भाई नूबड़ा है क्रीपर ये वाला हमारा। ये देखो, अरे देखो 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 देखो, देखो, देखो। ओ भाई साला वो देखो नीचे गिर गया। आजा बेटे तू आजा 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 आजा। अबे यार ओ भाई वाह, हार्ट अटैक आ गया इसकी भैंस की टांग। आजा बेटे अब यही यही को ले जाएंगे, आजा। ये देखो गाइस कहाँ गया, ये देखो आ गया, ये देखो साला ऊपर आ गया। ओ भाई साहब, क्या आपको ये पता था नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये भाई बहुत क्रेजी फैक्ट था, फैक्ट नंबर 10 और ये लास्ट फैक्ट है। क्या आपको पता है आप माइनक्राफ्ट विद टीएनटी को स्टैक कर सकते हो। देखो भाई ऐसे, अब इसको देखो ये स्टैक हो रहा है, जितने डालने इतने डाल लो आप, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। ये देखो भाई मैं डाले जा रहा हूँ, भाई बहुत ज्यादा है, मेरा पीसी ना उड़ जाए भाई। और गलती से इसको धक्का मत दे देना, ये देखो और अब होने वाला है धमाका। ये देखो भाई, ओ भाई साहब, भाई लिटरली क्रेजी। क्या आपको पता था या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, मेक श्योर यू द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।